करोति चा पंगु लंघयते गिरी यम वंदे परमानंदम गुरुर्ब्रह गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेशुरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्म श्रीगुरीवे नमः सर्वे सुखि सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ओ ओम पूड मदह पूडमिदम पूडा पूडमदचते पूडस्य पूड मादाय पूडमेवा विशिष्यते ओम शांति 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 <coughs> अगला श्लोक है संभु भूत सम विभूतिम चा विनाशम च यदद वेदोभ विनाशेन मृत्यु तीर्थवा और सम्भूत अमृतम ऋषि लिख रहे हैं जो मनुष्य उन दोनों को संभूतिम और असंभूतिम विनाशी और अविनाशी दोनों को यथार्थ से जान लेता है वह दोनों को मृत्यु को पार करके अनासी परमेश्वर की उपासना से अमृत को भोगता है अर्थात अवनासी अनंत परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है अब इसमें लिखा है कि जो दोनों को जान लेता समभूति और असंभूति संभूति माने अविनाशी परमात्मा और असंभूत माने विनाशी जगत अब यहाँ देखो हम सभी और खास तौर से मनुष्य मनुष्य का ये सौभाग्य है मनुष्य का ये विशेष अधिकार है कि मनुष्य दो स्तर पर जीवन को जीता है एक स्तर पर शरीर और दूसरे स्तर पर उसकी आत्मा उसकी चेतना सभी प्राणी जितने पशु पक्षी सभी प्राणी जितने हैं वो मात्र शरीर के स्तर पर जीते हैं शरीर का जन्म उनका जन्म है शरीर की मृत्यु उनकी मृत्यु है शरीर के दुख जन्म मृत्यु जरा व्याधि उन्हीं से वो शरीर तक ही जुड़े हैं शरीर से भिन्न उनके लिए कोई और अस्तित्व नहीं है और कोई सत्ता नहीं है लेकिन आदमी का ये विशेष अधिकार है कि आदमी को शरीर से इतर शरीर से अलग परमात्मा भी है और उस परमात्मा की प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य है इसलिए दो तरह से लोग जीते हैं एक तो शरीर पर जीते हैं वो तो वैसे ही जीते हैं जैसे और सभी पशु पक्षी जीते हैं शरीर के स्तर तक और दूसरे बोल जागे हुए लोग हैं वो महापुरुष हैं वो ज्ञानी हैं जिन्होंने शरीर को साधन माना और साध परमात्मा को माना कि शरीर साधन है परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मार्ग है और परमात्मा मंजिल है तो इस शरीर के माध्यम से हम परमात्मा तक हमारी यात्रा पहुंचे लक्ष्य जो है जीवन का साध है वो परमात्मा है और परमात्मा अमृत है और शरीर मरण धर्मा है इसलिए मनुष्यों में ही ये संन्यास की परंपरा है दुनिया के और खास तौर से भारत में हमारे यहां चार आश्रम व्यवस्था थी ब्रह्मचर गृहस्थ ब्रस्थ और सन्यास एक उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन किया सौ साल मान के चलते थे कि सौ साल आदमी की औसतन आयु है पच्चीस साल तक ब्रह्मचर्य पच्चीस से पचास गृहस्थ और गृहस्थी से अब देखा उसके अपने बच्चे भी सब कुछ करने में सक्षम हैं सब जिम्मेदारियां बच्चों ने संभाल ली हैं तो माता पिता उन जिम्मेदारियों संसार की जिम्मेदारी हो गए बच्चों ने वो जिम्मेदारी संभाल ली तो वो बानप्रस्ती हो जाते थे बानप्रस्ती का अर्थ है उनका अब मुंह बन की तरफ अब संसार से अलग कोई परमात्मा भी है परमात्मा की कोई सत्ता है इस संसार के भोगों से और कुछ बड़ा कोई भोग है कोई परम भोग है परमात्मा का उसकी खबर उसकी खोज बनप्रस्थ और वन बन में आके फिर शिक्षा का सेवा का, का काम करना और फिर संन्यास की परंपरा वृद्धारण उपनिषद का एक प्रसंग आता कहते हैं यागवल जी की दो पत्नी थी कात्यायनी और मैत्री पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करके गृहस्थ जीवन पूरा करके एक दिन यागवल्क ने अपनी दोनों पत्नी कात्यायनी और मैत्री को बुलाया और दोनों को बुला के कहा देखो जो ये धन संपत्ति मेरे पास है और बहुत है ये हम तुम दोनों को आधी आधी दे रहे दे रहा हूं आधी कात्यायनी को आधी मैत्री को तुम दोनों इस संपत्ति के मालिक हो आधी आधी के और मैं अब इस सब का त्याग करके बन में जा रहे बन प्रस्ती बन रहे सत्य की खोज में परमात्मा की खोज में कात्यायनी एक सामान्य स्त्री की तरह ही उसने उस धन संपत्ति को स्वीकार कर लेना स्वीकार किया लेकिन मैत्री बड़ी विदुषी थी उसमें बहुत दूरदृष्टि थी प्रतिभा थी मैत्री ने प्रश्न किया अगर जीवन का परम सुख जीवन का परम साध अगर ये धन संपत्ति ही है तो आप इसका त्याग क्यों कर रहे हैं अगर जीवन की परम सुख परम शांति परम साध जीवन का परम लक्ष्य ये धन संपत्ति संसार ही है तो आप इसका त्याग क्यों कर रहे हैं और अगर ये जीवन का परम लक्ष्य नहीं है परम साध नहीं है इससे अलग कोई परम साध है कोई परमात्मा है जीवन का कोई परम ध्येय है कोई लक्ष्य है तो जिसके लिए आप जा रहे हो मुझे उसके लिए रोक क्यों रोक रहे हो मुझे उससे मुझे वो संपदा का अधिकारी क्यों नहीं मैं वो संपदा के लिए क्यों नहीं आपके साथ चल जो संपत्ति आज नहीं कल छिनेगी ही अच्छा है उसे स्वेच्छा से छोड़ दो और जो संपत्ति मरने के बाद भी साथ जाए जिसे मौत भी ना छिना सके क्यों नहीं मुझे उस संपत्ति का अर्जन कर लेना चाहिए उसकी खोज कर लेनी चाहिए और मैत्रेय ने वो संपत्ति स्वीकार नहीं की और मैत्रेय या ऋषि के साथ बन में आती हैं और वृद्धारण उपनिषद में मैत्रेयी और यागवल का संवाद है मैत्रेयी के लिखे मंत्र हैं बोले हुए मंत्र हैं आज के जो ना समझ लोग कहते हैं कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है वो महामूर्ख है मैत्रेय जैसी विदुषी प्रतिभाशील स्त्री जिसके उपनिषदों में मंत्र है वेदों में मंत्र है तो कहने का अर्थ जीवन में परम लक्ष्य कुछ और है जीवन का परम ध्येय कुछ और है इसलिए रामचरित मानस में गोस्वामी जी ने कहा ये जो शरीर है ये तो एक साधन है जो भगवान ने बड़ी कृपा करके चौरासी लाख योनियों से भटकते हुए इस मनुष्य जीवन में आए और इस मनुष्य जीवन को पाके क्योंकि ये मोक्ष परमात्मा इस मनुष्य जीवन में ही संभव है अन्य सभी जितनी भी जीव जगत है वो सब भोग योनि है वो कर्म नहीं बना सकती मोक्ष की प्राप्ति ही कर सकती मनुष्य मात्र एक ऐसा जीवन है जिसमें मोक्ष की परमात्मा की प्राप्ति ही संभव है बड़े भाग्य मानुष तन पावा बड़े भाग्य मानुष तन पावा वो सोरे दोरे लवो सदे ग्रंथ निगा तो साधन धाम मोक्ष करे द्वारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाही नजेही पर लोक सिधारा सो परत्र दुख पाए हैं सिरे धोने धोने पचताये वो काल ही कर मई सो रही मिथ्या दो से लगाए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मनुष्य जीवन जो परमात्मा ने हमें दिए है बड़ी कृपा से उसकी बड़ी कृपा है जो देवताओं को भी दुर्लभ है लेकिन ये, ये मनुष्य जीवन अपने में साध नहीं है साध कुछ और है लक्ष्य कुछ और है ये मार्ग है मंजिल कुछ और है और इस शरीर के माध्यम से इस मनुष्य जीवन में ही उस मंजिल की प्राप्ति करना हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है <coughs> है। तो ऋषि लिख रहे हैं कि जो इस शरीर के माध्यम से शरीर को साधन मान के अब कुछ लोग शरीर पर ही रुक गए शरीर पर ही ठहर गए अब जितने भोग पदार्थ हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध जितने ये पांच विषय हैं ये विषय किसके लिए हैं शरीर के लिए आंख सुंदर रूप देखना चाहती है जीव स्वाद लेना चाहती है कान से सुखद शब्द नासका से सुगंधी और त्वचा से स्पर्श कोमल स्पर्श तो पांच विषय ये हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध और पांच ज्ञानेन्द्रिय शरीर के स्तर तक ही है पांच विषय हमें कहां लेके शरीर तक और सबके लिए देखो जितना वैज्ञानिक आविष्कार हुआ इन्हीं पांच विषयों के लिए हुए अच्छा से अच्छा व्यक्ति को भोजन कैसे मिले अच्छे से अच्छे रूप कैसे देखने को मिले ज्यादा से ज्यादा सुखद उसको स्पर्श कैसे मिले संगीत कैसे मिले सुगंधि कैसे पांच विषय में जितना ही वैज्ञानिक विस्तार हुआ है विकास हुआ है सारा का सारा बाजार आप देखो इन्हीं पांच विषयों में शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन्हीं पांच विषयों में पूरा बाजार विज्ञापन होगा तो इसका बाजार होगा तो उसकी दुकान खुलेगी तो इसकी के जो सब शरीर तक और मैं कहेंगे बड़ी संख्या शरीर पर ही अटक गई है शरीर पर ही रुक गई है कोई बिल्ले बहुत हजारों में से कोई हजारों लाखों में से कोई करोड़ों में से ऐसे ज्ञानी महापुरुष जिनके पिछले जन्म के पुण्य कहो, हो जिनका परमात्मा की जिन पर कृपा का हो जिनके अंदर ये भाव जगे, ये ज्ञान जगे कि जीवन का लक्ष्य और भी हो जो इस मूर्छा से मुक्त हो इस स्वप्न से जागे के जो संसार के स्वप्न में पड़े हैं मेरे तेरे में भोगों में उनके अंदर कहीं ये प्यास जगे कि जीवन का लक्ष्य कुछ और है जीवन का गंतव्य कुछ और है जीवन का मुकाम कहीं और है अन्यथा सामान्य लोगों को देखो उनके लिए बुद्ध महावीर कृष्ण कबीर नानक उनके लिए कोई महत्व नहीं रखते हाँ ये जरूर है उनके मंदिरों में चले जाएंगे जैनी है तो जैनियों के मंदिर में चले जाएंगे हिंदू है तो हिंदुओं के मंदिर में चले जाएंगे बौद्ध है तो बौद्धों के मंदिर में चलेंगे क्रिश्चियन तो अब वो जिस धर्म के धर्मावलंबी हैं वो अपने अपने इन मंदिर में मंदिरों में जाके गुरुद्वारों में जाके मस्जिदों में जाके चर्च में जाके अंत में जाते वहां भी क्यों जाते हैं वहां भी जाते हैं संसार के लिए बाजार के लिए ही जो बाजार से नहीं मिल सका वो मंदिर में जाके मांग लो मांग वही है चाह वही है कामना वही है कोई धन मांगेगा कोई पद मांगेगा कोई प्रतिष्ठा मांगेगा कोई परिवार मांगेगा मांग वहां पे भी है तो मंदिर मंदिर नहीं है कोई सत्य के लिए नहीं जाता है कोई परमात्मा के लिए नहीं जाता है कोई आत्मज्ञान के लिए नहीं जाता है मंदिर में भी जाते हैं तो भी उसी के लिए उसी पर बाजार के लिए उन भोग वस्तुओं के लिए ही तो फिर मंदिर कहाँ है कौन बिड़ले जाग पाते इस स्वप्न इतना गहरा है ये मूर्चा इतनी गहरी है इससे कहां व्यक्ति मुक्त हो पाता और फिर चारों तरफ का माहौल चारों तरफ का वातावरण विज्ञापन इसी के हो रहे हैं चारों तरफ भीड़ इसी की है इसी की एक आपाधापी है इसी की एक होड़ है तो व्यक्ति शरीर पर ही ठहर गया शरीर पर ही रुक गया शरीर ही सब कुछ मान लिया इसलिए भारत देश में एकमात्र देश ऐसा था जहां जीवन के चार आश्रम में संन्यास की परंपरा जन्मी संन्यास परंपरा खड़ी हुई और सन्यास का अर्थ है कि जीवन में कुछ और भी पाना है जीवन का लक्ष्य मात्र शरीर भोग नहीं संसार नहीं है जीवन का परम ध्येय इससे आगे है इसीलिए तो आप देखो भगवान बुद्ध महावीर ये सब राजा थे जैनियों में चौबीस तीर्थ कर हुए चौब तीर्थ कर राजा थे लेकिन जो उन्हें राज्य में नहीं मिला वैभव में नहीं मिला सिंहासन में नहीं मिला दौलत में नहीं मिला महलों में नहीं मिला वो आखिर क्यों छोड़ा इन महापुरुषों ने जिन जो स्वयं राजा थे सब प्रकार के विलासता के भोग के साधन इनके पास उपलब्ध थे भला वो किस लिए महलते आगे क्यों महलते आगे इसका अर्थ है उन्हें वो दिख गया जो मौत से भी आगे है उन्हें दिख गए कि यह जो जिस धन को हमने धन कहा है यह धन नहीं है धोखा है इसे तो कल मौत छिना लेगी लेकिन कोई और भी बड़ा धन है अध्यात्म का धन परमात्मा का धन अपनी आत्मा का धन कोई और भी लक्ष्य आगे है और उसकी खोज के लिए उनके लिए महल तुच्छ हो गए महल की कोई कीमत ना रही क्योंकि उनको परम धन दिख गया वो परमात्मा दिख गया कि जीवन का लक्ष्य वो होना चाहिए जीवन का परम वो है, तो बड़े, आराम से, बड़े सहज भाव में उनका त्याग कर सके अब जिनको वो दिख गया वो तो त्याग सके जिनको दिख गया कि जीवन में कुछ और पाने योग्य है कोई हीरा है तो पत्थर छूट गए लेकिन जो पत्थर को ही शरीर को ही तक सीमित है इस, इस संसार को ही हीरा मान बैठे उनकी आगे की कोई खोज ही खत्म हो गई और ये देखो ये खोज उन्हीं में खड़ी होती है जो जीवन के साथ साथ जीवन में मौत को भी छिपा देख लेते जन्म और मौत एक ही साथ पैदा हुई है जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मौत भी पैदा हो गई जन्म ही नहीं हुआ है मौत भी उसी दिन पैदा हुई है इसीलिए तो जीवन में और कुछ निश्चित हो या ना हो एक भविष्यवाणी सभी के बारे में कही जा सकती है कि एक दिन मौत घटेगी एक दिन मौत आएगी जन्म के साथ ही मौत खड़ी होगी जन्म और मृत्यु जीवन के दो छोर हैं एक सर्किल घू चलता है एक जहां से शुरू हुआ सर्किल जहां से वो घेरा सुरकू हुआ सर्किल शुरू हुआ जन्म और जहां पे आगे खत्म हुआ वो मौत ये जन्म मृत्यु का घेरा जन्म जन्म मृत्यु का चक्र तो जन्म के साथ ही मौत खड़ी हो गई और जो जन्म जीवन में ही मौत को देख रहे हैं उसके आते आते पग ध्वनि सुन रहे एक एक हम जन्मदिन मनाते हैं एक एक एनिवर्सरी मनाते हैं एक एक कदम मौत के निकट पहुंचते जा रहे हैं मृत्यु की पग ध्वन सुन जिन्हें जिन्हें दूरदृष्टि है जिनके अंदर समझ है जिनमें विवेक है वो देख रहे हैं कि एक एक कदम हम मौत के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं मृत्यु निकट आती जा रही है और जब मृत्यु निकट आ रही है तो जो आज पाया है से कल मौत छीनेगी कुछ वो पालो जैसे मौत ना छीन सके उस परम धन को पालो जैसे मौत ना छीन सके हमारे यहां जो सन्यास की परंपरा थी वो सन्यास की परंपरा का इतना ही अर्थ है कि सन्यासी और संसारी का यही अर्थ है कि सन्यासी तो शरीर पर ठहर गया भोगों पर ठहर गया संसार पर ठहर गया लेकिन जो सन्यासी है उसने शरीर से आगे उस परम तत्व को भी जाना है उसकी यात्रा पर निकला है। जीवन का परम लक्ष्य कुछ और है संसारी वो है जिसने शरीर को ही मार्ग मंजिल मान लिया लक्ष्य मान लिया जीवन का साध मान लिया लेकिन वो सन्यासी वो है जिसने शरीर को मात्र मार्ग माना मंजिल नहीं मंजिल तो आगे है और इससे ये साधन है साध तो आगे है इस साधन से उस साधु को प्राप्त करना है इस मार्ग से उस मंजिल तक पहुंचना है जिसने उसको भी देख लिया जो आगे है वो सन्यासी वो घर गृहस्थी में रह के भी सन्यासी हो गए और कोई सन्यासी भी अगर यही शरीर पर अटक गया भोगों पर अटक गया संसार पे ही अटक गया तो वो सन्यासी होती हुई संसारी है वो भी संसारी है, उसके लिए बस धन की दौड़ पद की दौड़ प्रतिष्ठा की दौड़ परिवार की दौड़ मान की दौड़ जो धन मान पद प्रतिष्ठा तक ही जिसकी दौड़ रुक गई वो परम लक्ष्य से वंचित हो गया परम धन से वंचित हो गया वो भी संसारी है वो भले किसी तरह के लाल पीले कपड़े कैसी भी वेशभूषा हो और जो घर गृहस्थी में भी है नानक घर गृहस्थी में थे कबीर घर गृहस्थी में थे इन सब महापुरुषों ने कबीर ने नानक ने अनेक अनेक उदाहरण भरे पड़े नाम ज्ञानदेव ये तमाम तमाम महापुरुष संसार में रहे परिवार में रहे लेकिन परिवार में रहते हुए भी परिवार को जीवन का लक्ष्य साध नहीं माना शरीर को जिस पर जीवन का साध नहीं माना साध आगे साध इन्होंने परमात्मा को माना उस परम सत्य को माना आत्मज्ञान को माना तो घर गृहस्थियों में रहते हुए वो अपने उस जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सके परमात्म तत्व को जान सके तो उसी के लिए ऋषि लिख रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति क्या होता है कि वो असंभूति से विनाशी से को पार करके संभूति अविनाशी तक अमृत तत्व को पा जाते हैं इसे पार करेंगे सहजता से पार करेंगे पार करने का अर्थ है बड़े आराम से एक तो जीवन को जो पकड़ के रखता है जीवन की जिसकी बहुत ज्यादा गहरी पकड़ है शरीर की बहुत आसक्ति है शरीर के साथ बहुत गहरा में है वो शरीर को जल्दी त्यागना नहीं चाहेगा जितने ज्यादा में होगा जितनी ज्यादा शरीर से आसक्ति होगी मौत के समय उस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा ज्यादा पीड़ा होगी मेरे मन आनंद क्यों मरने से ही पाएंगे पूर्ण परमानंद कवि ने कहा जिस मरने से जो दुनिया डर रही है कौन डर रहे हैं जो शरीर के साथ तादात में जो शरीर पर ही रुक गए हैं शरीर पर ही ठहर गए हैं शरीर से आगे जिन्होंने कुछ जाना ही नहीं उनका इतना गहरा तादात है शरीर से इतनी आसक्ति है शरीर से वो जी वो डर रहे वो रो रहे और जिन्होंने कुछ आगे का देख लिया आगे की उन्हें कोई खबर मिल गई आगे की कोई सूचना मिल गई आगे का कुछ उन्हें दिख रहा है वो बड़े कबीर कहते वह मेरे मन आनंद मुझे तो आनंद होने जा रहा क्यों कि मरने से ही हम मरने नहीं जा रहे पूर्ण परमानंद को पाने जा रहे हैं बूंद सागर होने जा रही है सीमित असीम हो सीमित असीम होने जा रहा है विराट होने जा रहा है जहाँ कोई दुख नहीं कोई पीड़ा नहीं आनंद ही आनंद पूर्ण परमानंद सोचो ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन वो बड़े सहज से जीवन को पार कर जाते क्योंकि उनकी कोई आसक्ति नहीं है जब तक परमात्मा ने ये शरीर दिया है और जब तक परमात्मा इस शरीर को रखना चाहे राजी है उसकी रजा में राजी है जब तक परमात्मा रखना चाहे और जिस दिन परमात्मा उसको ये पुराना वस्त्र उतारना है वो खुशी खुशी उतार देते तो राजी हैं कोई तादाद नहीं कोई आ सकती और शरीर में रहते हुए वो जिस क्षेत्र में जा रहे हो जिस तरफ जा रहे हो वहां के लोग तो बड़े दुष्ट हैं तुम्हें बहुत सताएंगे तुम्हें गालियां भी देंगे तुम्हें अपमानित भी करेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा जब भगवान बुद्ध ने उस भिक्षु से पूछा कि तुम्हें कैसा लगेगा जब वो तुम्हें अपमानित करेंगे गालियां निकालेंगे तुम्हें कैसा लगेगा तो उस भिक्षु ने कहा वो बड़े भले लोग होंगे कि जो मुझे मात्र गालियां निकाल के और मुझे छोड़ देंगे वो भले बड़े भले लोग हैं कि वो मुझे मात्र गालियां ही तो दी और गालियां कौन सी चुभती हैं वो दें हम ले स्वीकार ही ना करें वो अपमानित करें अपमानित तो अपमानित तो वो होते हैं जो मान की कामना रखते हैं अपमानित तो वो होते हैं जो मान की कामना रखते हैं मेरी मान की कोई कामना ही नहीं तो अपमानित होने का कोई सवाल नहीं और बड़े भले लोग होंगे जो मात्र मुझे गालियां दे के ही छोड़ देंगे कम से कम मार पीटा तो नहीं भगवान बुद्ध ने कहा ऐसा भी हो सकता कि वो तुम्हें पीटे भी तुम्हें पीटने भी लगे ऐसा भी हो सकता क्या फिर तुम्हारे मन में क्रोध नहीं आएगा उस भिक्षु ने कहा फिर भी मैं यही कहेंगे वो बड़े भले लोग हैं मात्र पीटा थोड़ी धूल झड़ी शरीर की कोई बात नहीं इतना तो नहीं पीटा के हाथ पैर ही तोड़ दे बड़े भले लोग हैं कि इतना नहीं पीटा मात्र थोड़ी सी मारपीट करके ही छोड़ दिया फिर भी मैं यही कहेंगे वो बड़े भले लोग हैं भगवान बुद्ध ने कहा ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें मारपीट करके इतना भी मारपीट कर तुम्हारा हाथ पैर ही तोड़ दे फिर तुम्हारे मन में क्या भाव जगेगा क्या प्रतिक्रिया होगी उस भिक्षु ने कहा फिर भी मैं यही कहेंगे वो बड़े भले लोग हैं हाथ पैर ही तो तोड़े हैं कम से कम जान से तो नहीं मारा मृत्यु तो नहीं दी मौत तो नहीं दी बड़े भले लोग थे और भगवान बुद्ध ने कहा अब अंतिम प्रश्न है कि वो ऐसा भी करें कि तुम्हें मार भी दें जान से ही मार दें मौत ही आ जाए फिर क्या तुम्हारे मन में प्रतिक्रिया होगी वो भिक्षु हंसने लगा उसने कहा फिर तो उनकी बड़ी कृपा होगी कि हम मुक्त हो गए शरीर के बंधनों से मुक्त हो गए क्योंकि परम सत्य को तो हम उपलब्ध हो चुके अब वो हमसे कुछ नहीं छीन रहे उन्होंने हमसे वही छीना जैसे मैं कुछ छोड़ चुका था छीन दे चुका था त्याग चुका था उन्होंने वही हमसे छीना है। वही जरा जीड़ शरीर भगवान बुद्ध के इस भिक्षु को कोई गाली देता तो वो मुस्कुराता और जब मुस्कुराता तो वो पूछते हमें आपको गालियां दे रहे हैं तो कहा तुम तो जैसे गा, गालियां दे रहे वो तो है ही नहीं वो तो मर चुका है दैट इज डेड आई एम डेड वो कहता मैं तो मर चुका हूं कैसे गालियां दे रहे हो मैं तो मर चुका हूं अब जो व्यक्ति अपने को कह चु कह रहा कि मैं मर चुका हूं आई एम डेड उसे तुम कैसे गाल अपमानित करोगे उसे तुम कौन सा दंड दे पाओगे हमारी सन्यास की जो परंपरा थी जो संस्या संन्यास की विधि थी उसमें यही था कि व्यक्ति अपने को जीवन में ही मृत्यु को स्वीकार कर ले जीवन में ही मृत्यु को स्वीकार कर ले पहले तो यहां ये यह परंपरा यहां तक थी कि व्यक्ति का मुंडन करा के और उसको चिता पर भी बिठाते थे और फिर उसे चिता से हटा के जल लाना से पहले उसको चिता से हटा के कहते गुरु उसकी पुरानी जितनी पहचान होती थी उसके सिर की सिखा यज्ञोपवीत पुरानी जो भी पहचान थी माता पिता का नाम उस सारा का सारा गुरु बदल देता नया नाम दे दिया नया वेश दे दिया और उसको फिर कहते थे दुज हो गया अब ये दूसरा जन्म हो गया इसका दूसरा जन्म पहले वाला मर चुका अब ये दुज हो गया और फिर वो जीवन में है शरीर में है लेकिन वो कह रहा वो पहले वाला तो मर चुका ये नया है नया जीवन है नया जन्म है जो गुरु से मिला एक, एक जीवन तो माता पिता से मिला था और एक जीवन गुरु से मिला उसकी पुरानी तादाद खत्म हो जाती वो जिस शरीर में होते हुए भी शरीर से मुक्त हो गया शरीर में रहते हुए शरीर से मुक्त हो गया शरीर के दुख से शरीर की आसक्ति से शरीर के तादाद में और शरीर के संबंधों से इस शरीर के जो जो संबंध रहे इस शरीर के कोई माता पिता रहे इस शरीर के कोई भाई बहन रहे हैं इस शरीर के कोई पिता पुत्र रहे जो भी रहे शरीर के संबंध जब शरीर से ही मुक्त हो गए तो उन संबंधों से मुक्त हो गया जब शरीर से मुक्त हुआ तो उन संबंधों से भी मुक्त हो गया और उनके प्रति ना राग रहा ना द्वेष रहा अनासक्ति आ गई वित आ गई अब उसका कोई घर नहीं कोई परिवार नहीं ऐसा व्यक्ति के लिए क्या होता क्या वस धैव कुटुंबकम वही कहता था वस धैव कुटुंबकम सारा भी मेरा परिवार है एक सन्यासी ही ये बात कह पाता हम निजा परोवेती गणना लघु चेत उदार चरित्र नाम वस ऐसा महापुरुष ऐसा आत्मज्ञानी अब उसके लिए कोई देश की सीमा नहीं रही कोई शरीर की सीमा नहीं रही किसी संप्रदाय की सीमा नहीं रही किसी स्त्री पुरुष की कोई सीमा नहीं रही वसधैव कुटुम्बकम वो सारे के सारे बंधनों से मुक्त हो क्योंकि शरीर से जितने संबंध थे वो सब शरीर के थे और जब शरीर से मुक्त हुआ तो सारे संबंधों से सारे तादाद टूट गए उसके सारे बंधनों से मुक्त हो गया क्योंकि सारे के सारे संबंध शरीर से ही तो मैं किसी घर में ये शरीर पैदा हुआ तो एक माता पिता की एक मोहर लग गई किसी संप्रदाय में पैदा हुई तो उस संप्रदाय की उस धर्म की मोहर लग गई किसी देश में पैदा हुए तो उस देश की एक मोहर लग गई स्त्री पुरुष के शरीर में आए तो स्त्री पुरुष होने की एक मोहर लग गई और जब शरीर ही नहीं रहा तो ना स्त्री हुआ रहा ना पुरुष रहा ना हिंदू रहा ना मुसलमान रहा ना हिंदुस्तानी रहा ना पाकिस्तानी रहा ना ये धर्म ना वो धर्म ना कोई भाषा वो तो आत्मा का कोई धर्म नहीं आत्मा की कोई जाति नहीं आत्मा की कोई राष्ट्रीयता नहीं आत्मा के कोई माता पिता नहीं जब आत्म तत्व पर जी, रहने जी रहने लगा आत्म तत्व का स्वाद ले लिया आत्मा के साथ उसका तादात्म बन गया शरीर के तादात्म से मुक्त हो गया ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार को बड़े सहज में पार शरीर में है लेकिन शरीर के बंधनों से मुक्त है शरीर की आसक्ति से मुक्त है अप्रारब्ध से परमात्मा जब तक ये शरीर को रखना चाहे ठीक है और जब ये शरीर का त्याग हो रहे तो कोई उसको पीड़ा नहीं क्योंकि उसने शरीर में रहते हुए उस आत्म तत्व का स्वाद ले लिया तत्व का स्वाद ले लिया ऐसा ऐसी व्यक्ति को ऋषि कह रहे कि ऐसा व्यक्ति समभूति से असंभूति भूति में के माध्यम से विनाशी से अविनाशी की प्राप्ति विनाशी को बड़े सहज में पार कर जाता विनाशी को पार कर जाता मृत्यु को पार कर जाता और फिर मृत्यु को पार करके अवनाशी की प्राप्ति कर लेता, लेता। मृत्यु को पाप पार करने का अर्थ क्या है कि मृत्यु को पार मृत शरीर में रहते हुए शरीर से मुक्त हो गया मरना नहीं पड़ेगा मरने से पहले मर ले मरना नहीं पड़ेगा मरने से पहले मर ले जो मौत से पहले अपने को मरा मान लेते उनकी मौत ने कभी नहीं आती है वो मर अमर हो गए और विनोबा भावे उसी को कहते थे वो तो जिंदा शहीद हो गया उसी को कहते थे ऐसा सन्यासी ऐसा संत ऐसा आत्मज्ञानी वो जिंदा शहीद वो मर चुका है लेकिन शरीर में है जिंदा है लेकिन मर चुका है उसकी कोई आसक्ति नहीं उसका कोई अहंकार नहीं उसका कोई ममत्व तो नहीं वो ममत्व तो से अहंकार से आसक्ति से तादात्म से सबसे मुक्त हो गया वो जिंदा शहीद हो गया मरना नहीं पड़ेगा मरने से पहले उनकी मौत फिर नहीं होती है जो मौत से पहले मौत को स्वीकार कर लेते मौत को देख लेते उनकी मौत कैसे हो पाएगी फिर और जो आत्म तत्व का स्वाद ले लेते हैं वो मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं भगवान बुद्ध ने जब घर छोड़ा था इसी बात को लेके घर छोड़ा था उन्होंने मृत्यु देखी उन्होंने बूढ़ा देखा उन्होंने बीमार देखा जब बीमार देखा तो तुरंत मन में आया कि मैं भी बीमार होंगे और उनके सारथी ने कहा बीमार सबके लिए है कोई अफवाद नहीं है बीमारी से मौत का कोई बहाना वही तो बीमारी है और राजा हो या रंक एक दिन ये बीमारी सभी को आती है एक दिन ये बुढ़ापा भी सभी को आता है और एक दिन ये मौत भी सभी को घटती है भगवान बुद्ध कहते इन्हीं घटनाओं को अपने साथ जोड़ लिया कहा मैं बूढ़ा भी हो गया और मैं बीमार भी हो गया और मैं मर भी गया अब मैं ऐसे जीवन की खोज में जा रहा है जहां मौत ना हो जहां बीमारी ना हो जहां बुढ़ापा ना हो ऐसे जीवन की खोज में जा रहा बुद्ध ने वो देख लिया कि जो आज छूटने छिनने वाला है आज उसे स्वेच्छा से छोड़ के देख लो और जो कभी नहीं छूटेगा जो कभी नहीं छिनेगा जो परम धन है परम संपदा है परमात्मा की उसकी खोज में निकल गए और बुद्ध ने वो पाया बुद्ध ने वो पाया यद बुद्ध के हाथ में भिक्षा पात्र भगवान बुद्ध ने जब आत्म संबोधि को उपलब्ध हुए आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए संबोधि प्राप्त की तो भगवान बुद्ध निकल पड़े उस संबोधि के का स्वाद औरों को भी बांटे उस संबोधि का स्वाद उसका अनुभव उस आत्म तत्व की खबर औरों तक भी जाए निकल पड़े प्रचार पर और प्रचार करते करते घूमते घूमते लोगों को मार्ग दिखा अंधेरे अन् से प्रकाश की तरफ लाते लाते अज्ञान से ज्ञान की तरफ लाते लाते अमृत मृत्यु से अमृत की का रास्ता बताते बताते भगवान बुद्ध अपने पिता के राज कपिल वश तक आ जाते महाराज सुदोधन को खबर मिली कि मेरा पुत्र सिद्धार्थ जो घर से गया था कहते बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया अब बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने राजपाट छोड़ के उसके अनुयायी बन रहे उसके पीछे आ रहे पिता को भी उत्सुकता हुई कि आखिर क्या ऐसा इसने पाया है इसने क्या ऐसा पाया है जो बड़े बड़े राजा महाराजा भी राज्य का त्याग करके उस भिक्षु बन रहे हैं उसके पीछे आ रहे हैं बाप को भी उत्सुकता हुई तो महाराज सुदूदन जहां भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे उनसे मिलने के लिए रथ पर बैठकर जा रहे है। कहते हैं वो रथ जब एक गांव के बीच से निकल रहा था महाराज सुदूदन उस पर बैठे हुए तो उन्होंने देखा कोई एक भिक्षु एक झोपड़ी के बाहर कोई भीख मांग रहा है कटोरा लिए उनको दूर से लगा इस व्यक्ति को लगता जैसे पहले कभी इस भिक्षु को मैंने देखा हो थोड़े नजदीक आते हैं तो लगता यही तो मेरा बेटा सिद्धार्थ है साधु भेष में है भिक्षु के भेष में है पीत वस्त्रों में है यही तो मेरा बेटा है वो रस से नीचे उतरे भगवान बुद्ध जो भिक्षा पात्र लिए खड़े थे उनके सामने पहुंचे भगवान बुद्ध को प्रणाम नहीं किया भगवान बुद्ध भी वैसे ही खड़े और बड़े क्रोध में बोले तुम्हें लोग तो तुम्हें बुद्ध कहते हैं लेकिन मुझे तुम बुद्ध नहीं दिख रहे बुद्धू दिख रहे हो मुझे तुम बुद्ध नहीं दिख रहे बुद्धू दिख रहे हो ना समझे दिख रहे हो अज्ञानी दिख रहे हो तुम भूल बैठे हो तुम कौन हो तुम राजा के बेटे हो और भीख मांग रहे हो और ऐसा ही कोई भीख का स्वाद सुख तुमको कोई शौक है तो भीख मांगो नहीं भीख देना शुरू करो तुम राजपुत्र हो वापस लौटो मैं तुम्हें राजा बनाएंगे और भीख मांगो मत भीख देना स्वीकार करो एक भिक्षु के सामने महाराज सुदोधन ने राजा बनने का प्रस्ताव दिया राजा बनने का प्रस्ताव कौन भिकारी होगा सोचो कौन भिक्षु होगा जो इस प्रस्ताव को ठुकराएगा इनकार करेगा एक बार पूछा भगवान बुद्ध चुप रहे दूसरी बार प्रश्न दोहराया कि आप वापस लौटोगे राज राजा का निमंत्रण है महल तुम्हें बुला रहे हैं राज सिंहासन तुम्हारे लिए खाली सुना है खाली है आओ वापस राजा बनाए भगवान बुद्ध फिर चुप रहे जब तीसरी बार उनको लगा शायद मौन इसकी स्वीकृति हो सकती है ये चुप है मौन है हो सकता मौन इसकी स्वीकृति हो जब तीसरी बार पूछा क्या वापस लौटोगे तैयार हो तो भगवान बुद्ध मुस्कराए और कहा जरा ध्यान से देखो मैं कौन हूं जरा ध्यान से देखो गौर से देखो मैं कौन हूं मैं वो नहीं हूं जो घर से गया था वो तो मिट गया मर गया और कुछ मैंने नया पाया वो नहीं हूं जो घर से गया था वो तो मर गया कुछ मैंने नया पाया है और जो मैंने नया पाया है उसकी कोई समानता तुम्हारे इन महलों से नहीं है इस दौलत से नहीं है इस सिंहासन से नहीं है तुम्हें तो आज जहां महल दिख रहे मुझे वहां कल खंडर दिख रहे तुम्हें तो जहां भोग दिख रहे वहां मुझे रोग दिख रहे और तो जहां तुम्हें संसार संपत्ति दिख रही है वहां मुझे आती हुई मौत दिख रही है जहां तुम्हें तो सुख दिख रहा है जीवन दिख रहा है वहां मुझे आती हुई मौत दिख रही है और आज नहीं वो कल पास खड़ी है निकट आने वाली है लेकिन मैंने वो धन पाया है मैंने वो धन पाया है जो धन मौत भी नहीं छिना पाएगी सम्राट भी मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, लेकिन मैं मरूंगा भी हाथ तो खाली होंगे लेकिन दिल से भरे हुए जाएंगे बहुत कुछ लेके जा रहे हैं तृप्त होके जा रहे भगवान बुद्ध को वो तृप्ति वो पूर्णत्व तो, वो कहां से आया कौन सी संपत्ति से उनके अंदर वो संतोष पैदा हुआ कौन सी संपत्ति पाई उन्होंने वो तृप्ति अंदर आई भगवान बुद्ध वही ये ऋषि उसी संपत्ति की तरफ उस पूर्णत्व की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक और संपत्ति है यह संपत्ति तो आज नहीं कल मौत छीनेगी लेकिन एक ऐसी संपत्ति है आत्मज्ञान की आत्म तत्व की परमात्मा की जिससे मौत भी नहीं छीना पाएगी और जीवन में असल में अगर कभी कोई तृप्त हुआ एक फुलफिलमेंट एक कंप्लीटनेस एक तृप्ति अगर कभी किसी को मिली है तो बाहर के धन से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ जिन्हें तृप्ति मिली है वो अपने अंदर के धन से अंदर से ही तृप्ति मिली है तो भगवान बुद्ध ने संसार के उन वैभवों को ठुकरा दिया क्यों उससे बड़ा धन उनको पाना था उस परम धन को पाना था वो सामने उन्हें दिख रहा था तो ये शरीर के माध्यम से ये शरीर एक साधन बना उस परम धन को पाने के लिए उस परमात्मा रूपी धन को पाने के लिए ऐसा व्यक्ति सहज में बहुत सहज में मृत्यु को पार कर जाता शरीर में रहते हुए भी शरीर से वो मुक्त होता है संबंधों में रहते हुए भी संबंधों से वो मुक्त होता है व्यवहार में रहते हुए व्यवहार की आसक्ति से वो मुक्त होता है उसी को वीतरागी कहा अनासक्त कहा वो भागा नहीं वो जागा सिर्फ जागा सिर्फ जागा जीवन में अब भाग के कहाँ जाना जाग जाओ यही काफी स्वप्न से जाग गए तो जाग गए भागने से कभी कोई मुक्त नहीं होता भोगने से कोई तृप्त नहीं होता स्वप्न में हम भागते भी हैं तभी भाग नहीं पाते और भोगते हैं तब भी कोई भोग हाथ नहीं आते तो स्वप्न है तो मात्र जागे तो मुक्त हो गए ऐसा व्यक्ति जीवन में जो जाग गया उसने उस परम धन की यात्रा शुरू कर दी परम धन की खोज शुरू कर दी जापान में एक बौद्ध सत्य नाम के संत हुए कहते हैं एक बार बौद्ध सत्य सत्संग कर रहे थे बौद्ध सत्य सत्संग कर रहे थे अचानक एक भूकंप आया और उस भूकंप में धरती हिली जिस इमारत के अंदर बैठकर वो सत्संग चल रहा था इमारत भी डगमगाई हिली अंदर बैठे लोग भयभीत हुए भागे इधर उधर अपनी सुरक्षा के लिए भागे इधर उधर थोड़ी देर में भूकंप शांत हुआ बाहर गए लोग फिर अंदर आ गए तो जो बाहर अंदर थे वो बाहर भागे सुरक्षा के लिए मौत के भय से लेकिन बौद्धि सत्य जहां थे वहीं बैठे रहे जहां थे जैसे थे वैसे ही बैठे रहे जब लोग वापस आए तो वापस आके उन्होंने देखा बौद्धि सत्व को वैसे ही अपनी जगह बैठे आंख बंद किए बैसे ही अपनी जगह बैठे देखा उन्हें तो उन सबने प्रश्न किया बोधि सत्य से बोधि सत्य क्या तुम्हें मौत का भय नहीं था, था? बौद्धि सत्य ने कहा मौत का भय मुझे भी था बौद्धि सत्य ने कहा मौत का भय मुझे भी था तो उन्होंने कहा फिर आप भागे क्यों नहीं अगर अगर मौत का भय आपको भी था फिर आप भागे क्यों नहीं जैसे हम बाहर भागे सुरक्षित स्थान के लिए कि मौत ना पहुंचे मौत से बच सके हम बाहर जैसे भागे मौत से बचने के लिए तुम क्यों नहीं भागे बोधि सत्य ने कहा मुझे भी मौत का भय था और मैं भी भागा जैसे तुम भागे ऐसे मैं भी भागा सिर्फ अंतर इतना था कि तुम बाहर भागे और मैं अंदर भागा अंतर सिर्फ इतना था कि तुम बाहर भागे ऐसी जगह जहां मौत ना पहुंचे तुम बाहर भागे कैसी ऐसी जगह जहां तुम मौत से बच सको मौत ना पहुंचे और मैं अंदर भागा ऐसी जगह जहां मौत ना पहुंच सके मैं अंदर भागा ऐसी जगह जहां मौत ना पहुंच सके और तुम बाहर कहीं भी कितना ही भाग लो मौत हर जगह पहुंच जाती है तो ध्यान रखना बाहर तुम जाए कितना भाग लो जाए जितना भाग लो बाहर कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां तुम तो मौत से भाग सको लेकिन जो अंदर भागे बौद्ध सत्यु की तरह वो मौत से बच सके वही बच गए वहां मौत नहीं पहुंची कहते हैं एक राजा एक राजा ने एक रात दमिश्क का एक राजा ने एक रात स्वप्न देखा और स्वप्न में उसने देखा कि कोई काली काली छाया उसके सामने खड़ी पूछा इस राजा ने कि तुम कौन हो उसने कहा मैं मौत हूं उस काली छाया ने कहा मैं मौत हूं और मैं तुम्हें लेने आई हूं मैं तुम्हें लेने आई हूं मैं मौत हूं और मैं तुम्हें कह रही हूं कि कल निश्चित समय पर निश्चित जगह पर मुझे मिल जाना निश्चित समय पर निश्चित जगह तुम मुझे मिल जाना मैं तुम्हें लेने आई हूं वो राजा इतना घबराया स्वप्न देख के उसकी आंख खुल गई सो ना सका अर्धरात्रि को हुई उसने अपने राज्य के बड़े से बड़े विद्वानों को बुलाया जोशियों को बुलाया पंडितों को बुलाया और उनके सामने वो स्वप्न बताया और कहा कोई उपाय बताओ कि कैसे मौत को बचा से बचा जाए कोई उपाय बताओ कि कैसे मौत से बचा जाए मौत आई और मौत ने यह कहा है कि निश्चित समय पर निश्चित जगह मिल जाना अब कैसे इस मौत से बचा जाए पंडित अपने अपने शास्त्र खोलने लगे पोथियां खोलने लगे ज्योतिष निकालने लगे कहते हैं वहां उनका एक समझदारिक मंत्री था उस मंत्री बूढ़ा मंत्री उस बूढ़े मंत्री ने कहा राजा को महाराज इन पंडितों से कभी तुम्हें उत्तर नहीं मिलेगा इन पंडितों से कोई समाधान नहीं मिलेगा पंडित कभी समाधान नहीं निकाल सके तो पोथियां खो, खोलते रहेंगे तर्क चलते रहेंगे विवाद चलता रहेगा लेकिन हल कुछ नहीं निकलेगा और मेरी सलाह तो आपको यही है बूढ़े मंत्री ने कहा कि मेरी सलाह तो आपको यही है कि मौत आ चुकी है अब आपके पास जितना भी तेज से तेज चलने वाला घोड़ा हो उस घोड़े पर बैठ के यहां से भागो जो भी तेज से तेज चलने वाला घोड़ा हो उस घोड़े पर बैठकर यहां से भागो जितनी जल्दी हो सके राजा को बात समझ में आई राजा ने के पास एक से एक बढ़िया से अच्छे से अच्छे तेज चलने वाले घोड़े थे राजा ने एक बहुत ही तेज चलने वाला घोड़ा मंगवाया और राजा ने अब किसी से बात भी नहीं की उस राजा की रानी भी थी कई रानियां थी पुत्र थे परिवार था मंत्री थे किसी से कोई बात नहीं किसी से मिलने में अपना समय बर्बाद नहीं किया कि अब रानी से भी मिलने इससे विदा ले लें उससे विदा ले लें ले ले, बेटों से विदा ले ले राज की व्यवस्था किसी और को संभला दे किसी ने अपना समय व्यर्थ नहीं किया बर्बाद नहीं किया बिना किसी से पूछे बड़ी शीघ्रता ने घोड़ा लिया घोड़े पर राजा बैठा और दौड़ना शुरू किया घोड़ा भी बड़ा तेज दौड़ने वाला था दौड़ना शुरू किया ना भूख लगी उसे ना प्यास लगी उसे भूख भी भूल गया पानी पीना भी भूल गया दौड़ रहा दौड़ रहा कि जितनी दूर दूर निकल सके इस मौत से जितनी दूर निकल सके इस मौत से क्योंकि मौत ने कहा था कल शाम होते होते सूर अस्त होते होते हमें मिल जाना निश्चित समय और निश्चित जगह पर इतना दौड़ा राजा ना खुद भी ना पानी पिया ना खाना खाया ना घोड़े को पिलाया पानी दौड़ता रहा दौड़ता रहा घोड़ा भी गजब का था कहते हैं पूरा दिन दौड़ने के बाद राजा अपने राज सीमाओं से सैकड़ों मील दूर निकल गया राज की सीमाओं से सैकड़ों मील दूर निकल गया इधर सूर अस्त होने को हुआ राजा भी थका हुआ था घोड़ा भी थका हुआ था राजा ने एक एक गांव से बाहर एक बगीचे में जाके घोड़े को खड़ा किया घोड़े से नीचे उतरा और घोड़े से उतर घोड़े से नीचे उतर के घोड़े को एक तरफ बांध दिया और जैसे खड़ा था पीछे से उसने देखा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा उसने पीछे के देखा वही काली छाया पीछे मुड़के जैसे देखा वही काली छाया और वो काली छाया हंसने लगी कि तुमने बड़ा बड़ा गजब का काम किया आश्चर्य का काम बड़ी बहादुरी का काम किया मुझे बड़ा संदेह हो रहा था मुझे बड़ी चिंता थी कि इतना दूर इत, इस जगह पर जहां तुम्हारी मौत होनी थी जहां हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे मुझे खुद बड़ा संदेह था कि तुम कैसे आ पाओगे कैसे पहुंच पाओगे लेकिन तुम्हारा घोड़ा भी कमाल का है और तुम्हारा हौसला तुम्हारी हिम्मत भी गजब की है कि तुम उस हौसले और हिम्मत के साथ और तुम्हारा ये तेज दौड़ने वाला घोड़ा तुम्हें वहीं पहुंचा दिया निश्चित समय पर निश्चित जगह वहीं पहुंचा दिया जहां तुम्हारी मौत होनी थी हम कितना ही दौड़े कितना ही दौड़े घुमा फिरा के वहीं पहुंचते हैं जहां मौत होनी है वही पहुंच जाते जहां मौत है तुलसी जस भवतव्यता तैसी हो सहाय आप ताई ताई ले जाए गोस्वामी जी लिखते हैं कि मौत चल के नहीं आती है आदमी खुद चल के वहीं पहुंच जाता है। तुलसी जस भवतव्यता तैसी हो सहाय आप ताई को ताई तहा ले जाए मौत खुद चल के नहीं आती आदमी चल के वहीं पहुंच जाता और ये राजा चल के वहीं पहुंचा उसने कहा निश्चित ही तुम्हारा घोड़ा तारीफ लायक है और तुम्हारी हिम्मत भी गजब की है तुम्हें वहीं पहुंचा दिया है घोड़े ने जहां तुम्हारी मौत होने थी हम कितना ही दौड़े इसलिए संत मौत मौत से बचते नहीं है मौत से बचते नहीं है मौत से आगे भी कोई अमृत उस अमृत की खोज में लगते मौत मौत है लेकिन मृत्यु के साथ जो अमृत है उस अमृत की खोज में निकल जाते और वो अमृत भी हमारे अंदर है वो बाहर दौड़ने से नहीं निकलेगा बोधि सत्य ने कहा हम बाहर नहीं दौड़े दौड़े हम भी मौत का भय मुझे भी था लेकिन हम बाहर नहीं दौड़े हम अंदर दौड़े जहां मौत नहीं पहुंचे थी पहुंचनी थी जो अमृत तत्व तो हमारे अंदर है मैं उसमें बैठ गया जाके जहां मौत नहीं पहुंचनी है बुद्ध ने पाया तो अपने अंदर पाया जिसने भी महावीर ने पाया जैनियों में चौबीस तीर्थकर कर आप देख लो चौबीसों तीर्थकर कर की जितनी मूर्तियां मिलेंगी सब आंख बंद के हुए ध्यान में बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां मिलेंगी आंख बंद के हुए ध्यान में बुद्ध ने अपने अंदर पाया महावीर ने अपने अंदर पाया नानक ने अपने अंदर पाया कबीर ने पाया अपने अंदर जिन्होंने पाया अपने अंदर पाया तो इस शरीर के साथ वो आत्म तत्व भी है वो अजन्मा अविनाशी शाश्वत सनातन वो हमारे अंदर है उसी को भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरा कभी जन्म नहीं हुआ मेरी कभी मौत नहीं होगी मैं अजन्मा हूं अविनाशी हूं न जायते मृते व कदाचित नम भूतवा भविता व न भूया अजो नित्य शास हम पुराणा न हन्यते हन्य माने शरीर भगवान कृष्ण कह रहे अर्जुन मेरा कभी जन्म नहीं हुआ मेरी कभी मौत नहीं होगी मैं अजन्मा हूं मैं अविनाशी हूं मैं शाश्वत हूं वो सनातन वो शरीर नहीं है कृष्ण का शरीर नहीं है कृष्ण की चेतना कृष्ण का आत्मा कृष्ण उस आत्मा के स्तर पर आत्मा के तल से बोल रहे हैं, जो अर्जुन और कृष्ण के बीच में इतना लंबा संवाद चला अर्जुन और कृष्ण के बीच में इतना लंबा जो संवाद चला अठारह अध्याय तक वो इसीलिए चल पाया क्योंकि अर्जुन के प्रश्न थे शरीर के तल पर अर्जुन शरीर के तल पर जी रहा था और कृष्ण चेतना के तल पर आत्मा के तल से बोल रहे थे भगवान कृष्ण आत्मा के तल से बोल रहे थे और अर्जुन के प्रश्न थे शरीर के तल पर इसलिए प्रश्न से प्रश्न निकलते गए प्रश्न से प्रश्न निकलते चले गए एक संवाद नहीं बन पाया अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्योंकि कृष्ण कहीं और से बोल रहे थे और अर्जुन कहीं और जी रहा था अर्जुन में एक मूर्छा थी एक मोह था एक नशा था अर्जुन की जब मूर्छा टूटी तब वो इशारा समझ कि कृष्ण का इशारा कहां है तब उसने जब नष्ट हो मोहा स्मृत लब्ध हुआ तब उसने कहा मेरा मोह नष्ट हुआ मेरी मूर्छा टूटी अब मैं तुम्हारा इशारा देख पा रहा हूं अब मुझे मैं वो सत्य को समझ पा रहा हूं और जिसकी विस्मृति थी उसकी स्मृति अब आई है जब मोह का मोह का नशा हटा मोह की मूर्छा टूटी तब वो समझ पाया बहुत बार यही होता कि व्यक्ति के शिष्य के प्रश्न होते हैं शरीर के स्तर पर और गुरुओं के उत्तर होते हैं आत्मा के स्तर से शरीर जीते संत भी शरीर के स्तर पर जीते हैं संसार में सशरीर होते हुए भी शरीर से जीते हैं लेकिन उनका जीवन में व्यवहार आत्मा के स्तर पर हो रहा इसलिए तो महाराज जनक को विधेय कहते थे सशरीर थे लेकिन फिर भी विधेय थे विधेय का अर्थ है देह से मुक्त क्योंकि देह की आसक्ति से मुक्त हो गए थे देह की तादाद से मुक्त हो गए थे महाराज जनक के महल में आग लगी महाराज जनक के आग महल में आग लगी और सुखदेव जी कहते उनके पास प्रश्न ज्ञान लेने आए थे सुखदेव जी उनके पास ज्ञान लेने आए थे तो सुखदेव जी उनके शिष्य महाराज जनक उनके गुरु है दोनों गुरु शिष्य के बीच में संवाद चल रहा और इसी बीच में कहते हैं महल में आग लगी तो सुखदेव के मन में पहले अश्रद्धा थी कि मेरे पिता भगवान वेद व्यास ने भला महाराज जनक के पास मुझे क्यों भेजा ज्ञान के लिए मैं इतना वैरागी त्यागी के निर्वस्त्र वस्त्रों तक का त्याग कर दिया दिगंबर और मुझे गुरु ऐसा मिला ऐसे गुरु के पास भेजा जो संसारी है भोगी है महलों में रह जा राजा है लेकिन उनके इस संदेह का निवारण कब हुआ जब वो गुरु शिष्य के संवाद में थे महल में आग लगी मंत्री ने खबर की महाराज आपके महल में आग लगी तो उन्होंने आज्ञा दी जाओ उस महल को बचाओ उसकी व्यवस्था करो आग बुझाने की सारी प्रबंध करो कि आग को बुझाया जा सके सबको आदेश निर्देश देके महाराज जनक वैसे ही सुखदेव ऋषि के साथ ज्ञान चर्चा में बैठे रहे सुखदेव को बड़ी हैरानी की इनके महल में आग लगी इन्होंने हाय तो नहीं की रोए नहीं चिल्लाए नहीं बिलखे नहीं दुखी नहीं हुए लेकिन सुखदेव जी अपना एक जगह अपना कमंडल और डंडा रख के आए थे वो बार बार मुड़ -मुड़ के देखते हैं कि कहीं हमारे कमंडल तक आग ना आ जाए वो डंडा ना जल जाए और जब उन्होंने देखा आग धीरे धीरे बढ़ती आ रही उस जगह तक आने वाली है कि जहां उनका कमंडल और डंडा रखा तो सुखदेव ऋषि महाराज जनक को कह रहा महाराज रुको दो मिनट में आए और दौड़ के जाते अपना कमंडल और डंडा उठा के ले आते और मन में तुरंत ये एकदम बिजली सी कौंधी प्रश्न खड़ा हुआ मन में कि महाराज जनक का महल जग रहा जल, जल 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 रहा उन्हें उसकी चिंता नहीं है उसकी आसक्ति नहीं है उसका दुख नहीं है और सुखदेव के पास एक छोटी सी संपदा कमंडल उसी की आसक्ति और उसे को उठा के ले आए कहने का अर्थ है जो शरीर के स्तर से शरीर की आसक्ति से तादाश से मुक्त हो जाते वो शरीर में रहते हुए विदेह हो गए देह की आसक्ति से तादाम से मुक्त हो गए तो इसी ऋषि ऋषि यही इशारा कर रहे हैं कि जो संसार में हैं असंभूति शरीर है असंभूति संसार है असंभूति यानी विनाशवान नाशवान लेकिन इस नाशवान शरीर में नाशवान संसार में रहते हुए भी बड़े सहज भाव से उसे पार कर जाते हैं और इसी शरीर के माध्यम से वो उस अमृत तत्व की प्राप्त कर लेते हैं जो संभूति है जो अविनाशी है उस अमृत तत्व की प्राप्त कर लेते हैं और अमृत तत्व का पान करके वो आवागमन से मुक्त हो जाते हैं आज के प्रसंग को इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं मेरा सभी को बहुत बहुत प्रणाम हरिओम